तो ऐसा करता हूँ, इनका जो पालतू कुत्ता या फिर बच्चा, पता नहीं भाई क्या चीज है ये। मैं गरीब हूँ, गंदी सी चीज, इसको मैं लेटा देता हूँ। मगर क्यों? हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2, और इसका चैप्टर 3 तो हम ऑलरेडी हार्ड मोड में कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई चैप्टर 2 की ग्रैनी को भी निपटा दिया जाए। और आज मैं डिफिकल्टी रखने वाला हूँ नॉर्मल। थोड़ा सा माहौल को हल्का रखने के लिए मैंने इसका क्रिसमस एडिशन डाउनलोड किया है, और बाकी सब तो ठीक है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ। घटिया सा कट सीन आएगा जिसमें ग्रैनी हम पे हमला करके हमें उठा ले जाएगी अपने घर पे, और वहां पे 5 दिन तक हमें टॉर्चर करने वाली है, तो इसको तो मैं एस्केप ही कर देता हूँ, क्या देखना भाई। तो ऑलरेडी गाइस, मैं जाग चुका हूँ इस घर में, और देख लेता हूँ भाई यहाँ का नजारा क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसमें शायद क्रोबार की मुझे जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। और यहाँ पे 2 गेट दिए हुए हैं, तो मैं कौन से वाले गेट से जाऊँ। और अभी से ही भाई बहुत ज्यादा इंटेंशनल हॉरर म्यूजिक चालू हो चुका है, तो एक बार तो सारा ओबे, ये क्या भाई, ये ग्लिच से मुझे दिख चुकी है ग्रैनी आ रही है। ग्रैनी ग्रैंड पा पता नहीं कौन है, इसको कैसे चकमा देके निकलूं मैं। नमस्ते, ये गलती कर दी भाई मैंने नॉर्मल मोड खेल के। तो इसी के साथ भाई हमारा पहला दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो चुका है। अब मुझे भाई कोई भी गलती नहीं करनी, अब मैं एक बार भी नहीं बनने वाला, इसी दिन मैं एस्केप कर जाऊंगा। तो मैं इस वाले गेट से होके आ चुका हूँ। वैसे मैंने ट्यूटोरियल वीडियो देखी थी, उसमें शायद ये बेसमेंट था, तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलने वाला है कि ये पैडलॉक है, यहाँ पे मुझे पैडलॉक की जरूरत पड़ने वाली है। और यार इसका म्यूजिक भाई कितना ज्यादा डरावना है, ग्रैनी 3 से तो सही बताओ ये बहुत ज्यादा डरावनी है गेम। ये इनका टॉर्चर रूम है शायद, और भाई यहाँ पे बैल बजने की आवाज आ चुकी है, और शायद ग्रैंडपा भी यही घूमने लग रहा होगा। और सामने देखो क्रिसमस ट्री लगा हुआ, और ये भाई बहुत ज्यादा तेज है नॉर्मल मोड में, ऐसा लग रहा है भाई मैं हार्ड मोड खेल रहा हूँ यार। और इसने अभी से ट्रैप बिछाने भी शुरू कर दिया, मैं किधर जाऊँ मैं फंस चुका हूँ भाई मैं बिल्कुल। मुझे एक तो इतनी ज्यादा आदत है नहीं इस गेम की, गिर जा नीचे गिर जा, ठीक है मैं ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर आई थिंक मैं सेफ हो जाऊंगा। ओ भाई ये मेरे पीछे पड़ चुके हाथ धोके, तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ भाई, ये हट जाएंगे शायद यहाँ से, ठीक है। अबे झुक जा, बच गया भाई। ओ भाई बच गया, मुझे बस उस लप्पू से दादा से बच के रहना पड़ेगा। ये मुझे क्या मिल चुका है एक बार मैं देख लेता हूँ, स्पेस से फेंके, ये हेलीकॉप्टर की है, तो मुझे हेलीकॉप्टर स्केप करना है। अबे इधर से क्यों आ रही है ये, और ये क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ से घेर के बैठी है भाई ये मुझे। ग्रैनी है कि पुलिस है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और जो भी चीजें मुझे मिलने वाली है ना, तो मैं इसमें डाइनिंग टेबल पर रखने वाला हूँ, ठीक है। आ जा जा तू मेरे पीछे आ जा। मैं बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहा हूँ भाई मैं इस गेम को खेलते हुए, मुझे पता है, क्योंकि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गया, 2 दिन बर्बाद हो गए, 2 दिन बर्बाद हो गए इतनी जल्दी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ICU ऐसे बोल रहा था बुड्ढा। Day 3 ऑलराइट भाई, सही बता रहा हूँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने, पहली बार में इजी मोड में ना खेल के नॉर्मल मोड में खेलने की। और ये वाला गेट था शायद, ठीक है। तो अभी से लंगड़ा के चलने लग गया कि इसमें बहुत ज्यादा मार पड़ चुकी है अभी से, और कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है। यार ये तो भाई फ्लोर भी चरमर करने लग रहा है, क्योंकि इससे ना पता चल जाता उनको मैं यहीं पे हूँ। और ये आई थिंक, हाँ इस पानी को मैं क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें वो जो मॉन्स्टर है ना बेसमेंट वाला, वो यहाँ भी रहता है। मतलब जहाँ भी पानी मुझे दिखने वाला है मैं नहीं निकलने वाला। फाइनली मुझे भाई कुछ चीज मिल चुकी है भाई, ये स्टन गन है जो कि इतनी आसानी से मुझे मिल गई है ना, इसका मतलब अब भाई एस्केप हो जाएगा इजीली, क्योंकि ये गन शॉक देती है। जैसे कि अब मैं बताऊंगा नहीं, आपको करके दिखाऊंगा। तो मुझे बस उस ग्रैनी और ग्रैंडपा को इंतजार है। आ जाओ भाई, किधर गए, पर दोनों एक साथ ना आ जाए, ठीक है। आ जा, तो गया बेटे, तू आ जा, तेरा तो काम मैंने कर दिया, ठीक है। अब तेरी बीवी गायब बता बुड्ढे, पूछा तो ग्रैंडपा गया मैं। अबे भाई मेरा निशाना चूक गया यार, भाई मैंने गलती से कहीं हार्ड मोड तो नहीं लगा लिया। Day 4 आ चुका है, अबे मैं तो 3 समझ रहा था यार। मुझे ऐसा लग रहा है गेम रीस्टार्ट कर लेनी चाहिए शायद। अब ये 4th दिन और 5वें दिन, सिर्फ 2 ही दिन बचे मेरे पास, पर कोई नहीं भाई होगा, हम करेंगे, हम होंगे कामयाब। तो जल्दी से मुझे ना अपनी स्टन गन ढूंढनी पड़ेगी सबसे पहले तो। और ग्रैंडपा को मैंने शॉक तो दे दिया था, लेकिन वो उठ चुका होगा। और मेरी पिस्तल ये पड़ी, ठीक है। अबे उठाना इसको, ठीक है, उठ जा, और ये उठा ले इसका, ठीक है। अब मुझे बस उन दोनों को लेटाना एक बार, ठीक है, तू तो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा कर रखी है, उससे भाई मेरा निशाना लग नहीं पा रहा है, तो मैंने थोड़ी सी इसको कम कर लिया। अब बस मुझे ग्रैनी का इंतजार है। ग्रैनी किधर है? भाई मैं कितना गधा हूँ, एक नंबर का गधा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, भाई रुला दिया इन्होंने मुझे। ग्रैनी 3 से इजी समझ रहा था इस गेम को मैं, क्योंकि इसमें ना जंप स्केयर थोड़े कम है, लेकिन मैं इतना गधा हूँ ना, इतना गधा खेल रहा हूँ ना मैं, मुझे जानबूझ के जंप स्केयर दिए जा रहे हैं ये। कोई नहीं भाई, आखिरी दिन है, और ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम आखिरी दिन एस्केप नहीं कर सकते। हम जरूर कर सकते हैं एस्केप, क्योंकि हम प्रो बंदे हैं। और भाई सही बताऊँ, मैंने ना प्रोनेस साबित करने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तू आ जा, तेरी कमी थी बस। और ट्रैप से कैसे बचूं मैं, और सामने से ग्रैनी आ रही होगी, खत्म।
क्या बोलूं भाई मैं, और कहां खड़ा कर दिया इन्होंने मुझे, इस बॉक्स के अंदर खड़ा कर दिया। अब भाई ये कीले से निकले हुए इसमें, ओ मर गया, गंदी मौत मिल गई, गेम ओवर। गेम नहीं था भाई, नाइटमेयर था सही बताऊं तो। और मुझे इतनी बुरी तरह से धोया ना, मैं 5 मिनट भी नहीं टिक पाया इनके सामने यार। तो भाई मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ इस गेम को, लेकिन इस बार मैं नॉर्मल ना खेल के इजी खेलने वाला हूँ, क्योंकि फट गई है उसकी। हाँ भाई, मुझे अब प्रोनेस साबित करने की बिल्कुल नहीं पड़ी, मुझे बस ये गेम पार करना है। तो चलते हैं गेम के अंदर फिर से, एस्केप कर देता हूँ इसको। तो मैं भाई ये एक बार इजी मोड में पार हो जाएगा ना, तो मेरे थोड़ा हाथ पैर खुल जाएंगे इस गेम के अंदर, फिर ना मैं भाई कोई से भी मोड में आराम से इस गेम को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे अभी फोकस करना गेम को क्लियर करने के ऊपर। ठीक है, अब चलते भाई सामान ढूंढने, और अब मुझे इतना ज्यादा डर भी नहीं लग रहा क्योंकि इजी मोड है भाई, इजी मोड। तो इधर बेसमेंट में तो शायद, अब यार मॉन्स्टर और ये बहुत ज्यादा डराता मुझे, तो यहाँ पे कोई डक्ट टेप जैसी चीज पड़ी हुई है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। और ये शायद जो हेलीकॉप्टर, अगर हम एस्केप करेंगे ना तो उसकी पंखुड़ियों पे लगने वाला है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। तो इसका काम मुझे ऊपर ही बढ़ने वाला है, तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। और अब मेरा, ओ तेरी यार, ये ग्रैंड पति जल्दी कैसे आ गया। चलो आजा, इसको मैं चकमा दे दूंगा इस बार। आजा 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 बुड्ढे, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। आजा 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 आजा, इसको ऐसे घूम के निकल जाता हूँ मैं। अब बस ग्रैनी ना आ जाए सामने से, धप्पा हो जाएगा वरना। और फिलहाल ग्रैनी गया 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 गया, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया यार। क्या, और ये क्रिसमस ट्री भाई, ठीक है। तो इस वाले गेट से तो मैं नहीं जा सकता, क्या करूँ, ये वाली बुक खोल देता हूँ। ठीक है, ये वाला डोर खुल जाएगा इससे, और सामने से शायद ग्रैंडपा नीचे से आ रहा है, तो मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। और मेरे को स्टन गन मिल जाएगी ना, तो इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा फिर। ओ स्टन गन मिल गई मुझे, ठीक है। अब आएगा मजा भाई इस गेम में। अब कहाँ जाओगे तुम, पिछली बार बहुत बुरी तरह से तुमने मारा था, अब जा ग्रैनी के तो काम कर दिया, अब तू जा। ओ भाई बड़ी स्पीड से मारा मैंने दोनों को, 2 मिनट के लिए ये बेहोश हो चुके हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी पूरा घर ढूंढ लेता हूँ, मुझे क्या क्या इसमें मिलने वाला है। इनके अंदर तो कोई एक क्रोबार मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे एक पीस ऑफ पेंटिंग पड़ा है, इसको भी खोल लेता हूँ। इसमें ग्लास फ्यूज है, ग्लास फ्यूज का मुझे पता नहीं क्या काम है। और ये भी हटा लेता हूँ मैं, इसमें कुछ तो मुझे मिलेगा गारंटी। और यहाँ पे कुछ पड़ा तो है, अच्छा डोर हैंडल मिल चुका है मुझे, ठीक है। इससे ना हम डोर को खोल सकते हैं, यहाँ से डोर हैंडल को भी फिलहाल के लिए यहीं फेंक देता हूँ उस पैड के ऊपर। और क्रोबार लेके इसके अंदर है कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और क्रोबार लेके मुझे नीचे जाना होगा, जहाँ पे वो बॉक्स टाइप का कुछ पड़ा हुआ है ना, उसको मैं खोल सकता हूँ। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, तो उसके अंदर हमें कुछ तो मिल जाएगी काम की चीज। तो इसके अंदर मुझे प्लायर्स मिल चुके हैं, तो ये प्लायर्स को मैं उठा के फिलहाल के लिए, ये मैंने नहीं देखा था खोल के, तो इन प्लायर्स को मैं यही फेंक देता हूँ, इनका भी यूज आने वाला है बहुत जल्दी। और क्रोबार ना मैं फिर से ले आता हूँ, क्योंकि भाई क्रोबार ना अभी भी बहुत काम की चीज है। इससे ना भाई मैं डोर के ये हटा सकता हूँ। अब बस मुझे इस दरवाजे की लाइट बंद करनी है, और ये जाली है ना इसको हटाना, और एक डोर हैंडल लगाना है, और ये ताला खोलना है, उसके बाद हम एस्केप कर जाएंगे। और लाइट काटने के लिए भाई शायद मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, और किसी पेंटिंग के पीछे कोई वायर है जो कि मैंने देखा था, मुझे पता है कहाँ था, ये रहा, तो इसको मैं काट दूंगा। तो डोर की लाइट तो बंद हो गई होगी, और इसको फिलहाल मैं यही पटक देता हूँ। और ये पीस ऑफ पेंटिंग है, ओ भाई ग्रैंडपा कहाँ है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जल्दी से ना स्टन गन भी उठा लेता हूँ, क्योंकि अब शायद ग्रैंडी या फिर ग्रैंडपा जाग गए होंगे। और ग्रैंडपा के ना गले में भाई चाबी है, उसकी मदद से मैं सिक्योरिटी लॉक खोल सकता हूँ, और उसके अंदर मुझे कोई ना कोई काम की चीज तो पक्का मिलेगी। इस वाले ड्रॉअर में है क्या कुछ, भाई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं वो अचानक से आना जाए। ग्रैनी देखो, वो पता नहीं कहाँ जा रही है, उस वाले रूम में जा रही है। तो इसके पीछे से जाके मैं एक बार, ओ गई गई गई, कहाँ चली गई कहाँ चली गई, मुझे तो उस पार चली गई भाई, शायद अपने बच्चे से मिलने गई है। तो मैं एक बार नीचे भी देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मुझे मिल जाए शायद। और यहाँ के लिए ना मुझे कुछ रेंच चाहिए, जिससे मैं सामने वाला पानी खत्म कर सकूं, क्योंकि अगर मैंने अभी पानी क्रॉस किया ना, तो भाई वो मॉन्स्टर मुझे अपने साथ पानी के अंदर ले जाएगा। और ग्रैनी आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रैनी से अब डर नहीं है, क्योंकि हाथ में हमारे गन है। तो भाई देखो स्लो कितनी चल रही है, और इधर आ क्यों नहीं रही, आ जा आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 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 भाई, ग्रैनी से कुछ नहीं बोलता ये मॉन्स्टर। आजा बेटा तू रहता, तो काम मैंने कर दिया, अब तेरा लप्पू सा दादा कहाँ है, लप्पू सा। ओ आईसीयू, ओ भाई कैसे डरा दिया इसने मुझे, ओ तेरी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे को स्पार्क प्लग मिल चुका है, जो कि बोर्ड के अंदर लगने वाला है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं यहीं फेंक देता हूं। और इसके गले में से चाबी भी ले लेता हूं। अबे चाबी दे बुड्ढे, अरे बुड्ढा यार उल्टा लेट गया एक तो, रुक जा रुक जा रुक जा। ये वाली चाबी मुझे मिल चुकी है, ठीक है। और इस चाबी को तो मैं फटाफट से ऊपर ले जाता हूं, और मुझे एक वेपन की भी चाहिए होगी शॉटगन के लिए। और इसके अंदर मुझे हेलीकॉप्टर मैनुअल भी मिल गई है, अब हम भाई पायलट भी बन चुके हैं। तो मैं सीढ़ियों से ऊपर जाता हूं, और अब मैं भाई सिक्योरिटी डोर की तलाश में हूं, यही है शायद सिक्योरिटी डोर। तो ये मैंने खोल दिया, अब चाबी का काम तो खत्म हो चुका है, तो इसको मैं फेंक देता हूं। और इसके अंदर मुझे बोट की भी मिल चुकी है भाई, सारे काम मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, और मैं ऊपर भी आ चुका हूँ। इसके अंदर भी शायद मुझे कुछ ना कुछ चीज तो मिल जाएगी, ये वाला तो डोर लॉक है। और इसके अंदर मुझे हैंडविल मिल चुका है, ठीक है। तो हैंडविल को तो मैं यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ, चला गया। अब ये वाला डोर तो लॉक है, और मेरी बोट की भी ले लेता हूँ हाथ में, और ये खोल के देख लेता हूँ। इसके अंदर भाई बहुत सारे ड्रॉयर है, तो ये यहाँ पे भाई पीस ऑफ पेंटिंग लगने वाली है, जिसके बाद वो सामने वाला दरवाजा खुल जाएगा। तो लेकिन अभी मेरे पास सारे पीसेस है नहीं पेंटिंग के, वो तो चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, फिलहाल
डाली तो पैडलॉक किया और अपनी बोट की मैं डाइनिंग टेबल पे फेंक देता हूँ और स्टीयरिंग व्हील को लेके चलता हूँ नीचे। उससे पहले भाई यहाँ पे दादी का एक कमरा है, उस वाले गेट को भी मैं खोल देता हूँ और यहाँ पे मुझे फिर से क्रोबार की भी जरूरत पड़ने वाली है तो मुझे क्रोबार भी लेके आनी है नीचे से। और इतने में मुझे ऐसा लग रहा दादी और दादा भी जाग गए होंगे, यहाँ पे एक पीस ऑफ पेंटिंग पड़ा, यहाँ पे मुझे रेंच भी मिल चुकी है ठीक है, तो पानी का काम तो मैं कर दूंगा, बाकी ये वाला दरवाजा मैं खोल देता हूँ। और ड्रॉयर्स के अंदर मुझे वेपन की मिल चुकी है ऑल राइट, तो वेपन की को मैं यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ क्योंकि वेपन मुझे नीचे ही मिलने वाला है। अब बस भाई सामने से दादी या फिर दादा ना जा, ओ भाई पुत्री वो पेंटिंग है दादी की भाई, ऐसी की तैसी हो गई मेरी भी। और ये क्या पड़ा है यहाँ पे, फ्यूज पड़ा हुआ है ठीक है। डोर के हैंडल को तो यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ, क्रोबार को उठा लेता हूँ। स्वागत तो करो हमारा। यार कहाँ से आ गई यार सामने से, टेलीपोर्ट हो जाती है दादी अचानक से आ गई सामने से। अबे यार अच्छा खासा जा रहा था सब कुछ। और सबसे बड़ी पता दिक्कत क्या हो चुकी है, मैं अपनी वो भूल चुका हूँ, मैंने अपनी स्टन गन कहाँ रखी थी, पर मुझे शायद वेपन की पता है मैंने कहाँ फेंकी थी। वेपन की मैंने नीचे फेंकी थी दरवाजे से होके और वो पड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये मैं उठा लेता हूँ और अपनी जल्दी से शॉर्ट गन ले लेते हैं, उसके बाद तो इनका काम कर देंगे। पर लप्पू दादा आ रहा है सामने से भाई, और दादी भी आ गई, घेर लिया इन्होंने मुझे, इसके अंदर बंद हो जाता हूँ ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया है भाई, ये खोल लेंगे इसको। ओ तेरी दो दिन खराब हो गए यार, ये दोनों तरफ से घेर के मारते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है फिर। और डे 3 आ चुका है यार, इजी मोड में भी इसको पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई नहीं भाई, पर हम पार करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार तो पक्का पार करूंगा। अब मैं थोड़ा दिमाग से काम लेने वाला हूँ और इस सबसे पहले ना इस व्हील को यहाँ पे लगा देता हूँ, इससे ना इलेक्ट्रिक डोर की जाली नीचे हो जाएगी। और वेपन की भी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, उठा ले भाई जल्दी, क्या कर रहे। और अब मुझे शॉटगन लेनी है जल्दी से जल्दी, वरना दादा तो मुझे मार ही देगा। और यहाँ से मुझे शॉटगन मिल जाएगी, बुलेट भी उठा ली मैंने। अब देख लेता हूँ लप्पू दादा किधर से आ रहा है, इसे कहता हूँ रेंच को ना एक बार यहाँ से नीचे फेंक देता हूँ और यहाँ से मैं खुद भी नीचे चला जाता हूँ। ये वाला डोर खोल लेता हूँ और बहुत ज्यादा आवाज हो गई है, और ये पड़ी मेरी स्टनगन भाई, मैं तो भूल गया था स्टनगन मैंने यहाँ फेंकी थी। तो दादा आ रहा है ना, अच्छा आ जा आ जा, दादी आ रही है ठीक है, दादी तो काम कर दिया मैंने, अब तू भी आ जा, तू भी आ जा बेटा, दोनों का काम कर दिया मैंने ऑल राइट। अब मेरे को एमओ तो खत्म हो चुकी है, तो अपनी स्टनगन निकाल के ना यहाँ फेंक देता हूँ, स्टनगन मैं यहीं फेंक देता हूँ। और मैं अपनी रेंच ले आता हूँ जिससे भाई मैं पानी बंद कर दूंगा। और ये डोर की जाली नीचे हो चुकी है, बस अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे एक डोर हैंडल चाहिए और एक पैडलॉक की चाहिए, उसके बाद डोर एस्केप हो जाएगा इजीली भाई, सिर्फ दो चीज चाहिए मुझे। तो डोर का हैंडल मैंने कहां फेंका था, अच्छा अच्छा वो मैंने फेंका था, रेंच यहां मिल चुकी है मुझे, पहले रेंच को ले जाकर रेंच का काम कर देता हूं मैं। इसी के साथ भाई मैंने पानी तो डाउन कर दिया है, तो अब भाई हम जा सकते हैं उस पार। तो अब 2.5 मिनट का टाइम तो अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ग्रैनी अभी जिंदा नहीं है क्या, और वहां पे शायद कुछ चमकता हुआ मैंने देखा था, क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, पीस ऑफ पेंटिंग है। नहीं यार पीस ऑफ पेंटिंग मुझे नहीं चाहिए, और अपनी स्टन गन में ले लेता हूँ हाथ में इनकेस अगर वो जिंदा हो गए हो। और स्पार्क प्लग है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ डोर एस्केप कर दूं, और उसके लिए सिर्फ मुझे एक पैडलॉक की चाहिए क्योंकि मुझे डोर हैंडल कहाँ है ये तो मुझे पता है, और हमारे पास स्टन गन तो है ही। तो ऐसा करता हूँ इनका जो पालतू कुत्ता या फिर बच्चा पता नहीं भाई क्या चीज है ये, मैं गरीब हूँ गंदी सी चीज, इसको मैं लेटा देता हूँ। ओ भाई कितनी बुरी आवाज कर रहा है, और मेरी एमओ एमओ कहाँ है, ओ भाई मैं डर गया था, इसने एमओ तो नहीं खा ली मेरी कहीं। और यहाँ पे कुछ तो मिल जाएगा मुझे, हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है यार, चलो ठीक है अभी इसको उठा के ना यहाँ से उस पार फेंक देता हूँ क्योंकि इस पार मैं आ नहीं पाऊंगा बार बार, ये भी फेंक देता हूँ। दादा की पेंटिंग है ये, और स्टन गन ले लिया मैंने फिर से। ओ भाई रो कितना गंदा रहा है यार, ये बिल्कुल धाड़ रहा है, रो नहीं रहा। और इसमें ना सिर्फ एक ही गोली है, अब जाके ना ऊपर से मैं अपना डोर हैंडल ले आता हूँ। डोर हैंडल कहाँ फेंक दिया मैंने, मुझे मिल ही नहीं रहा अब तो। अबे यार मुझे मिला तो था लेकिन मैंने कहां रख दिया डोर हैंडल, भाई मैं भूल चुका हूँ। दादी 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 का काम कर दिया, अब दादा भी दिख जाएगा तो उसका भी काम करना है मुझे। आजा 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 आईसीयू के बच्चे, निकल भाई। गन रहती है ना हाथ में तो इनसे इतना डर लगता नहीं है। बाकी यहाँ पे शॉटगन की एमओ पड़ी है, और मैंने ना अपने हाथ में स्टन गन ले रखी है, मुझे ना शायद शॉटगन ही लेनी चाहिए क्योंकि भाई स्टन गन से एक बार में हम एक ही मार सकते हैं और शॉटगन से दो मार सकते हैं। तो मैं अपनी स्टन गन तो यहीं फेंक देता हूँ और अपनी शॉटगन ले आता हूँ, और फिर एमओ भर के ना टेंशन ही खत्म हो जाएगी सारी। और मुझे डोर हैंडल मिल चुका भाई, इस वाले रूम में मैंने पटक दिया था, मैं भूल गया अभी मुझे याद आया जस्ट। तो डोर हैंडल जाके भी मैं लगा देता हूँ दरवाजे पे, तो ये तो इजीली यहाँ पे लग जाएगा, बस मुझे अब पैडलॉक की चाहिए। पर इसके लिए आई थिंक भाई मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पीस ऑफ पेंटिंग की शायद जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि यहाँ की तो सारी चीजें मैंने देख ली, यहाँ पे मुझे पैडलॉक की नहीं मिली। और देखो इनका बच्चा शायद मर ही गया भाई, मैंने इतना बुरा मारा इसको, ये जाग ही नहीं रहा फिर से। तो पेंटिंग लेके मैं ऊपर निकल लेता हूँ, और नीचे कुछ पड़ा है क्या, नहीं वेपन की पड़ी है नीचे ठीक है।
ये वाली पेंटिंग का पीस भी मैं यहाँ फेंक देता हूँ। मेरे पास दो पीस ऑफ पेंटिंग हो चुके हैं और एक पीस पड़ा हुआ है ग्रैनी ग्रैंडपा के रूम में, और वो रूम है ये वाला। पेंटिंग का तो काम हो चुका है, बस मुझे एक एक करके ऊपर ले जाके ये लगानी है, तो इसको भी मैं यहाँ फेंक देता हूँ। और अपनी शॉटगन भी मैं ले आता हूँ जस्ट इन केस, क्योंकि मुझे उसकी अब जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो दोनों जाग चुके होंगे। और शॉटगन भाई मैंने कहाँ फेंकी थी मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो अपनी स्टन गन लेके चल लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो स्टन गन को फेंक देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इससे ना एक तो इतनी ज्यादा आवाज हो जाती है ना भाई, ग्रैनी ग्रैंडपा को पता चल जाता है। और चलो अभी तक तो वो नहीं आए, तो इससे ऊपर चढ़ जाता हूँ। पहला पीस मैंने लगा दिया, मेरे को दो पीसेस और लगाने हैं। यार मेरे को ना शॉटगन की सही बताऊं जरूरत पड़ने ही वाली है, नीचे है तो नहीं कोई, क्योंकि भाई वो निशाना लगाने वाला टास्क भी आने वाला है, उसके लिए तो शॉटगन की जरूरत पड़ेगी। तो अपनी शॉटगन में ढूंढ के ले ही आता हूँ यार, उसका तो काम है ही। और शॉटगन मैंने यहाँ फेंकी है, ये मैंने ले लिया है, पर इसके अंदर एमो नहीं है और ग्रैनी आ रही है। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ठीक है तेरा तो काम कर दिया मैंने। ग्रैंडपा की तरह इधर उधर ही ग्रैंडपा, और इसने भाई पेड़ को भी गिरा दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि और ग्रैंडपा का भी खेल कर देता हूँ, फिर मेरे को टेंशन नहीं है, मैं फ्रीली घूम लूंगा। वो भाई नीचे तो नहीं गया कहीं? चलो भाई जहाँ भी गया हो उसको छोड़ देते फिलहाल, और मैं अपनी गन को यहीं फेंक देता हूँ और शॉर्ट गन को उठा लाता हूँ। ओ लप्पू दादा आ गया भाई, ये तो हार्ट अटैक दिलवाने की कोशिश में रहता हमेशा। भग लेता हूँ यहाँ से और घूम के चला जाता हूँ उस साइड। और शॉर्ट गन की एमो तो इस फ्लोर पर नहीं है, तो मेरी स्टन गन पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे उसका खेल कर देता हूँ। अबे भैरे दादा कहाँ गया? ICU ले बेटा, मैंने भी सी कर लिया तुझे। बुड्ढे की नजर बहुत तेज है। तो यहां से मुझे एमओ मिल चुकी है, अब भाई मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके एक निशानेबाजी करनी पड़ेगी। तो इस वाले रूम से अगर मैंने उस लाल पे मारा तो ये वाला दरवाजा यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फिर से क्रोबार की जरूरत पड़ने वाली है यार। नहीं नहीं, क्रोबार की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये तो ग्रेनेड है। यहाँ पे प्लायर्स की जरूरत पड़ने वाली है यार, तो प्लायर्स मैंने शायद टेबल के ऊपर ही फेंके हुए, तो उनको भी मैं ले आता हूँ। ये रहे प्लायर्स, तो ठीक है भाई इनसे तो वो आराम से कट जाएगी। और उसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला है भाई? उसके अंदर मुझे पैडलॉक की मिल जाएगी ना, तो अभी एस्केप हो जाएगा एक सेकंड में। फिर तो वैसे भाई मैं चाहूँ तो कोई भी एस्केप कर सकता हूँ, हेलीकॉप्टर एस्केप या फिर बोट एस्केप। ये पहली चेन कट गई, दूसरी चेन कट गई, और ये क्या डेड बॉडी? अबे भाई, और ये क्या, ये क्या, ये सेफ की है यार। मुझे लगा पैडलॉक की मिल गई भाई, और मुझे लगा अभी एस्केप हो गया। चलो कोई नहीं, सेफ की है तो सेफ मैंने कहाँ देखी थी? शायद नीचे वाले फ्लोर पे या फिर ऊपर वाले फ्लोर पे भाई, पता नहीं मैं भूल चुका हूँ। और ग्रैनी ग्रैंडपा भी शायद जाग गए होंगे, थोड़ा सा रिस्क ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद इस वाले रूम में सेफ है, ये खुल जाएगी इससे। और इसके अंदर मुझे पैडलॉक की मिल चुकी है भाई, एस्केप हो गया, एस्केप हो गया, एस्केप हो गया, हो गया एस्केप। ओ भाई इतनी जल्दी मैंने एस्केप कर दिया, लेकिन भाई इजी मोड भी तो था, उससे भी फर्क पड़ा है। वरना नॉर्मल मोड में तो हमारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। और ये देखो ग्रैनी ग्रैंडपा लप्पू दादा कहाँ गया बच्चा, हम जिसको किडनैप करके लाए थे भाग गया भाई, तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल गया वो तो। अब बस तुम अपनी शक्ल देखते रहो और अगले किसी बच्चे को किडनैप करने की प्लानिंग करते रहो, क्योंकि हम तो तुम्हारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। तो ऑलराइट गाइस, ग्रैनी चैप्टर 2 का हमने डोर एस्केप तो कर लिया है, और अगली वीडियो में शायद हम इसका हेलीकॉप्टर और बोट एस्केप भी कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक कर देना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।